हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 7 जनवरी 2023। DRDO सेप्टेम 10 का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए हैं हम लोग जीके जीएस का जो मतलब पार्ट है 40 क्वेश्चन का, पहले उसको देखेंगे, फिर लास्ट में और हम लोग मैथ रीजनिंग इंग्लिश सारा बात करेंगे। नॉनटेक टेक सब कहाँ से पूछा जा रहा है सारा बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए पूरा पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा, लगभग आपको सारा कुछ आपको सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत लोग देखिए कमेंट करते हैं इंग्लिश में बताने के लिए, अच्छा बताइए, कोशिश करेंगे हम इंग्लिश में बताने का, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2022 में, तो डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO दोनों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग हम लोग बढ़ते हैं। WTO का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार आप लोग भली भांति जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को इस्कॉन आइकॉन अवार्ड मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय खिलाड़ी को इस्कॉन आइकॉन अवार्ड मिला है, देखिए सुरेश रैना को मालदीव सरकार से मिली बड़ी पुरस्कार, मतलब मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को इस्कॉन आइकॉन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर काले और सिल्वर के रंग के होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर काले और सिल्वर के रंग के होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट डे भी पूछा गया था क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। रेटिनॉल किसका विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का। बड़ी माजुली द्वीप, मतलब माजुली द्वीप से क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए माजुली द्वीप कहाँ है, असम में, असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बहुत एक बड़ा नद द्वीप है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन किसी का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, स्टूडेंट सही से कंफर्म नहीं कर पा रहे थे किसका ब्रांड एम्बेसडर था, बाकी आप लोग इस शिफ्ट का यदि पेपर दे के आ रहे हो तो इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा। एक स्टूडेंट फिर बता रहे थे कि बर्फ़ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये दीप से भी मतलब दीप में ही इसी में बर्फ़ से रिलेटेड क्या था कि बर्फ़ का टीला वगैरह, ऐसा कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छा से बता नहीं पा रहे थे, तो आप पेपर दे के आ रहे हो क्लियर करना। चलिए हम लोग देखते हैं और इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश में देखिए ईरर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन आ रहा है, नरेशन, क्लोस्टेज, साइनो एंटो, ये सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और चलिए हम पहले आपको बता देते हैं फीटर वगैरह सब के बारे में कि किसका किसका क्वेश्चन आ जाएगी। ट्रेलिंग के देखिए ट्रेलिंग और स्टूडेंट बताएं ट्रेलिंग और वेल्डिंग के सबसे ज़्यादा प्रश्न, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं किसके आ रहे हैं, ट्रेलिंग और वेल्डिंग से। ठीक है, बाकी सीट मीटर से भी एक दो क्वेश्चन है, बैरिंग से एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, सेफ्टी से दो तीन क्वेश्चन है, इससे भी कुछ सबसे क्वेश्चन है, बट ट्रेलिंग और वेल्डिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मतलब ट्रेलिंग और वेल्डिंग करके जाइएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चलिए देखते हैं मैथ से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैथ का बात करें तो परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज औसत से भी क्वेश्चन आ रहा था, एलिगेशन मिश्रण टाइप भी क्वेश्चन था, दूध और पानी का मिश्रण वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी रीजनिंग का बात कर लें तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डेली ये सब कवर किया जा रहा है, सिलोग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लड लेसन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सीरीज मिरर ये सब के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप इस शिफ्ट के पेपर दे के आ रहे हो, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आपको याद आया हो नॉनटेक वगैरह का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बाकी इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।